हिंसा भड़काने की कोशिश की है। तो CAA पर झूठ फैलाकर कांग्रेस ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है। देखिए खबर हम दिखा रहे हैं आपको, ये नवभा टाइम्स में इसको जगह दी गई है। CAA पर झूठ फैलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से साथ आई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। जरा आप समझिए, अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे यदुवंशी हो जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी बातें जो हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है ही और ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे ही। CAA पर झूठ बोलकर दंगा कराना चाहती थी SP कांग्रेस, ये मोदी जी ने कहा। ठीक है, बुआ बबुआ से बचने की जरूरत है। देखिए अब आप समझिए, यहाँ पर तंज जो है पूजा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। CAA NRC UCC ये तीन ऐसे कानून है जिससे देश का भला होगा, लोगों का भला होगा। CAA का मतलब ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाए। आपको याद होगा चाहे वो लखनऊ हो या फिर वो दिल्ली हो, यू कह सकते हैं CAA को लेकर और इन तमाम NRC को लेकर तमाम लोग सड़कों पर आए थे। किस तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की गई थी, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि आप भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वंचित हैं, जो दूसरे देशों से निकाले गए हैं, जो अपने ही लोग हैं, हम उनको यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं, ना कि आपकी नागरिकता को हम छीन रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और CAA को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। जो भी मुसलमान भाई या परिवार भारत में रह रहा है वो ठीक वैसे ही रह सकते हैं जैसे वो पहले रह रहे थे। यहाँ बात उन शरणार्थियों की हो रही है जो कभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद वहां से जब वो माइग्रेट होकर वापस से भारत आए तो उनको, क्योंकि वो बहुत समय पहले वहां से भारत से माइग्रेट होकर बाकी अन्य देशों में चले गए थे और जब वो वापस आ रहे हैं, घर वापसी उनकी हो रही है, शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है, उनको वापस से भारत की नागरिकता मिले ताकि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ, सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ यहाँ रहकर वो शरणार्थी ले सके, इसका खास ख्याल रखा गया है। और हाल फिलहाल में ही CAA के तहत ही 14 ऐसे लोग थे, ऐसे शरणार्थी थे जो दूसरे देश से जब वापस भारत आए तो उन्हें यहाँ की नागरिकता मिली है जो कि मुसलमान थे। देखिए अब आप इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा समझिए। CAA को लेकर ये कहा जा रहा था, ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी नागरिकता जो भारत में छिन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे समुदाय, यानी कि 5 ऐसे समुदाय रखे गए थे जिनको नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष है, जो यदि हम कांग्रेस की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप ये समझिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में ये समझिए कि जो मुस्लिम, जो यहाँ रह रहे हैं मुस्लिम, जो वैध तरीके से रह रहे हैं, एक बात और नोटिस कर लीजिए, जो वैध तरीके से रह रहे हैं उनको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप ये समझिए, चूंकि जो लोग खदेड़े गए हैं दूसरे देशों से, मुस्लिम समुदाय यहाँ अल्पसंख्यक हो सकता है, ये अल्पसंख्यक उन देशों में नहीं है, आप समझिए। इसीलिए मुसलमानों को या मुस्लिम वर्ग को या इस समुदाय को इस CAA में जगह नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज वो नहीं है, हमारे देश में है। तो जहाँ दूसरे देश में माइनॉरिटीज है उनको यहाँ पर जब हमारे देश में आ जाएंगे, यहाँ उनको नागरिकता दी जाएगी, ना कि आपकी नागरिकता।